हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास आया था ये 3770 एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ट्रांसफार्मर चालू है। ये ट्रांसफार्मर है 5 एम्पीयर का, शॉर्टिंग कहीं से कहीं तक दिख नहीं रही। इसमें 3770 एम्पलीफायर है, इसमें शॉर्टिंग कहीं से कहीं तक दिख नहीं रही है। इसको चेक करते हैं। इसको पावर दिया है अपन ने भाई, और इसको चेक करते हैं। इसका ट्रांसफार्मर स्विच ऑन प्रॉपर दिख लिया है। ट्रांसफार्मर से एक बार चेक कर लेते हैं, वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लस माइनस देखते हैं, डायोड पर चेक कर रहे हैं पहले। 52.1 मतलब ट्रांसफार्मर सप्लाई आ रही है। मैं 12 वोल्ट सप्लाई चेक कर रहा हूँ। ये 25 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पर 12 वोल्ट आना था अपने को जी। 12 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं आ रहा है इसमें। 12 वोल्ट 5 वोल्ट की प्रॉब्लम है इसमें। तो 12 वोल्ट प्रॉब्लम देखते हैं कहाँ से है। पच्चीस वोल्ट आ रहे हैं इसके परफेक्ट। तो चेक करते हैं, इसमें 12 वोल्ट नहीं आ रहा, इसलिए इसकी जगह अपन लगा रहे हैं अभी 78-12 ट्रांजिस्टर 78-05 है इसमें। तो 12 वोल्ट नहीं आ रहा, इसलिए 78-12 लगा रहे हैं। देख लेते हैं पहले 5 वोल्ट। इसकी जगह ये लगा रहे हैं हम 78-0 78-12 5 वोल्ट 12 वोल्ट के लिए 78-12। देखते हैं इसको लगा कर सप्लाई बनाने के लिए इसकी 78-12। के तीनों वायर का कनेक्शन एक 12-25 वोल्ट पर लगा देंगे, एक ग्राउंड पर लगा देंगे
ये लगा दिया अपन ने 12 वोल्ट, एक ग्राउंड, 3 वायर का कनेक्शन कर दिया है। अब इसको चला कर देखेंगे, लाइट आती है नहीं। इसमें कहीं पर टच नहीं हुआ इसलिए वाइट कॉटन टेप लगा रहे हैं। कॉटन टेप से अर्थिंग कहीं से भी नहीं मिलेगा इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 वायरों का कनेक्शन कर दिया है। अब चला कर देखते हैं इसको, 12 वोल्ट नहीं आ रहे थे इसमें, तो 12 वोल्ट के लिए अपन ने लगाया। ये देखिए फ्रेंड्स, लाइट आ गई, ये आ गई, ये USB पर लाइट आ गई। अब इसका एक बार टेस्टिंग करके देख लेते हैं। साउंड कनेक्शन कर लेते हैं। साउंड कनेक्शन कर लिए थे। Hard to breathe, but that's alright. Hard to breathe, but that's alright. Hush.